अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि यहाँ एक जेट निकालकर सभी को दिखाने लगता है। वो लोग उस जेट को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, ये मेढक का जेट कम से कम कुछ बिलियन में होगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ तो पहले ही जीत गया। फिर मास्टर वैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इस बच्चे को इस बेकार सी जगह में ये नेचुरल जेट कैसे मिल सकता है। फिर गो अपने मन में बोलता है, धत तेरे की, ये बच्चा बहुत ही लक्की है। फिर यूनिट यहान को बोलती है, ये अच्छा था यहान, हम लोग जीत गए। टैंक यहान से बोलता है, बहुत मस्त यहान, अभी से तुम मेरे आइडल हो। फिर यहान टैंक की ओर वो नेचुरल जेट फेंकते हुए बोलता है, मेरे लिए पकड़ो इसे। फिर यहान मास्टर वांग को बोलता है, शर्त खत्म हो गई, अब तुम्हें अपनी प्रॉमिस पूरी करनी। मास्टर वांग गुस्से से यहान को बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम ज़रूर चोरी किए हो, तुम्हें कैसे इस बेकार की जगह में एक नेचुरल जेट मिल सकता है। मास्टर वांग की बातें सुनकर वहाँ के लोग गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम नहीं खोल सकते, इसका मतलब क्या, कोई और नहीं खोल सकता है क्या, जल्दी से कुत्ते की तरह भागो, मुझे रिकॉर्डिंग भी करना है। फिर लड़की बोलती है, तुमने अभी तक हार नहीं मानी और तुम अपने आप का मास्टर बोलते हो। यहान अचानक से बोलता है, मैंने चोरी की, और वो हंसने लगता है। फिर यहान मास्टर वांग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुमने चोरी की है। फिर मास्टर वांग यहान से घबराते हुए बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। फिर यहान मास्टर वांग के हाथों से वो पत्थर गिराते हुए बोलता है, ध्यान से देखो सभी कोई। मास्टर वांग के हाथों से वो पत्थर गिर जाता है। यहान गुस्से से बोलता है, ये पत्थर गोंद से चिपका हुआ है, ग्लास जेड इस पत्थर में डाला गया है। वहाँ पर सारे लोग यहाँ की बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। फिर मास्टर वांग उन सभी से डरते हुए पूछता है, उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, मास्टर वांग तुमने शर्त लगा के खुद ही चीटिंग करते हो, तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये जेड गैम्बलिंग फेस्टिवल का रेपुटेशन खराब कर रहा है, इसे मार डालो। वहाँ पर खड़े सारे लोग मास्टर वांग को मारने लगते हैं। फिर गो मास्टर वांग को मार खाते देख अपने मन में बोलता है, ये बेवकूफ तो सही से चोरी भी नहीं कर पा रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। यहाँ गो को जाते देख उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर यूनिट गो से बोलती है, मास्टर वांग शर्त हार गए हैं, तो अब तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना होगा। फिर गो गुस्से से यहान को बोलता है, तुम लोग को क्या चाहिए मेरे से, मैं जांगजिंग कॉर्पोरेशन का सक्सेसर हूँ, यहाँ तक कि जेड गैम्बलिंग फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर, वो भी मेरा रेस्पेक्ट करते हैं। गो की बातें सुनकर लोग उसे मारने लगते हैं। बाहर में जाओ सक्सेसर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेकार की बात करने की, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरे भाई के साथ पंगा लिए तो, जल्दी से कुत्ते की तरह भौंको या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर गो उन लोगों से मार खाने के बाद कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। वहाँ पर खड़े लोग गो को देखकर बहुत हंसने लगते हैं। उसमें से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, यह पूरी तरह कुत्ते की तरह भौंक रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मुझे रिकॉर्डिंग करने दो, मैं इंटरनेट में डालूंगा इसे। फिर पीछे से मास्टर लियू यान को बोलता है, क्या तुम ये नेचुरल जेट मुझे बेचोगे क्या। यान बोलता है, अंकल लियू आप यहाँ पर हो। मास्टर लियू यान को बोलता है, लियू ज्वेलरी इसे खरीदने के लिए 3 बिलियन वॉन देगा। यहान सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, 3 बिलियन। फिर वहाँ पर खड़े सारे लोग में से एक आदमी बोलता है, मेरा कॉर्पोरेशन इसे खरीदने के लिए 3.1 बिलियन देगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, जाविस वेलरी इसे खरीदने के लिए 3.5 बिलियन देगा। फिर वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं उस जेट को खरीदने के लिए। वो लोग लड़ते लड़ते उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी छोटी सी कंपनी इतने बड़े ट्रेजर को कैसे खरीदेगा, तुम्हारी कंपनी तो बैंक करप्ट हो जाएगी अगर तुम इस जेट को खरीदोगे, फिर भी तुम हमारी कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हो। फिर उसमें से एक आदमी बोलता है, वो जेट हमें दे दीजिए, हम आपको 100 फ्री स्पा देंगे। टैंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, सीरियसली ये तो एक सिर्फ जेट है। ल्यू टैंग को बोलता है, तुम समझ नहीं पाओगे, ये नेचुरल जेट का बहुत ही दाम पड़ेगा और इससे कंपनी का फेम भी बढ़ेगा। यहान उन लोगों को रोकने जाता है लेकिन उसी समय यूनिट उसे पीछे से पकड़ लेती है। यूनिट यहान के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझे भी चाहिए यहान। यहान यूनिट से बोलता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहान उन लोगों से बोलता है, लड़ना बंद करो, मैं ये जेट बेचूंगा नहीं। फिर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम ये नहीं बेचोगे क्या, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्यों
हम लोग तो इतना हाई प्राइस दे रहे तुम्हें। फिर यान उन लोगों से बोलता है, ये जेट हमारे लिए चाहिए।